हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.8। इसमें कह रहा है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एनएसीएल इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मोलल्टी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलल्टी निकालनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो, पहले तो ये बता मोलरिटी किसे कहते हैं, मोलरिटी क्या होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो मोलरिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी, एक होती है मोलरिटी, एक होती है मोलल्टी। तो मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी दे रखिए, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहां तक मेरी बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आ गई। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो ये कोई वॉटर है और इसमें हमने एनिशियल ऐड किया। ठीक है, एनिशियल मतलब नमक ऐड कर दिया। ठीक है, और ये अपना काम, अपना क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो ये कह रहा है कि ये जो कोई सॉल्यूशन है ना, ये कोई सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी वो दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें किसका सॉल्यूशन, एनिशियल और वाटर। ठीक है, तो और इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है, 3 मोलर। ठीक है, मतलब ये देखो, अगर ये 3 कैसे आए, मतलब ये 3 दे रखी है, ना तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दे रखा है। ठीक है, सपोज करो जैसे मान लो ये 3 कैसे आ सकता है, मतलब या तो ऐसे आ सकता है, मतलब जैसे 12 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो और 4 मतलब 4 लीटर सॉल्यूशन हो और उसमें 12 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो। ठीक है, तब ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, है ना। और अगर 1 लीटर सॉल्यूशन ले, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे उसमें, ये कंफर्म है, मतलब 3 होंगे, तभी तो 3 मोलरिटी निकलेगी। अरे मेरे दोस्त, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 3 होंगे, तभी तो मोलरिटी 3 आएगी। समझ में आया? तो मतलब ये मेरा जग है और इसका इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, और इसमें कितने मोल्स है, इनिशियल की 3 मोल्स है। समझ में आ गया? ठीक है ना, यहां तक बात मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गई ना, तो अब चीजें निकालो। ठीक है, मतलब हमारा जो ये वॉल्यूम है कितना दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल टू दे रखा है, अगर मैंने ये ले रखा है 1 लीटर। ठीक है, इसका इसमें मोल्स कितने होते हैं, सोल्यूट के मोल्स कितने, MOL मोल्स इक्वल टू है 3 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 3 मोल है। ठीक है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 3 मोल की किसके हैं, सॉल्यूट के हैं। ठीक है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, डी कितने देखिए, 1.25 ग्राम मिलीलीटर पर मिलीलीटर। समझ में आया? ठीक है, अब आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, तो मास और डेंसिटी भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, तो आपको मास निकल जाएगा ना, इसका इसका टोटल मास निकल जाएगा ना। मास कैसे निकलेगा, देखो डेंसिटी दे रखी है 1.25, ये जो सॉल्यूशन है इसकी डेंसिटी 1.25 है और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000। ठीक है, तो मास इक्वल टू कितना आ गया, 1250 ग्राम आ गया। समझ में आ गया? मतलब ये 1 लीटर मेरा सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है किसका है, एनिशियल का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसका जो मास कितना, टोटल कितना, 1250 ग्राम। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, है ना। अब यहां से 1250 ग्राम इसका टोटल निकल गया। ठीक है, तो अपन अगर एनिशियल का मास निकालें, इसमें एनिशियल का कितना है, तो वो कैसे निकालोगे बताओ। आपको पता है NaCl, NaCl, Cl क्लोरीन का होता है 35.5 और इसका होता है 23। ठीक है, तो टोटल मोलर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 58.5। ठीक है, यानी 58.5 ग्राम में कितना होता है, 1 मोल होता है, 1 मोल होता है। तो 3 मोल में कितना होगा, इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 15 5 24 25 को 5 2 5 15 16 17, यानी 175 पॉइंट ये इसका आ गया, 175.5 क्या आ गया, ग्राम इसका एनिशियल का मास आ गया। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट प्लस सोलवेंट का मास चाहिए, तो ये टोटल मास है, तो टोटल में से ये निकालेंगे तो सोल्यूट उसका मास आ जाएगा, मतलब 1250 माइनस ये निकालो 175.50, तो ये आ जाएगा 5, ये हो गया 4,
यहाँ फोर, तो ये हो जाएगा 14, 4, 4 3 7, ठीक है, यहाँ पे 1 0 1, ये आ गया किसका, मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो अब इसको मोलरिटी के, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, लिख लो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वो, सॉरी मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक है, मोलरिटी स्मॉल एम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ठीक है, तो कितना होगा इसमें, कितना दे रखा है, 3 मोल्स दे रखा है, और इसका कितना है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना, 1.0745। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.79 मोलरिटी को इस मोल के उससे डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार दोबारा और बता देता हूं, इसमें कुछ नहीं है, दैट डेंसिटी ऑफ द 3 मोलर सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी दे रखी है 3 मोलर सॉल्यूशन, है ना, ऑफ NaCl इज 1.5, मतलब कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो ठीक है, तो उसकी मोलरिटी तो दे रखी है 3 मोलर, और उसका जो डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, 3 मोल होंगे। समझ में आ गया, 3 मोल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 3 मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। ठीक है, और उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो डेंसिटी इक्वल्स टू आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन कितना, 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। ठीक है, तो इसको ये देखो 1.25 मिलीलीटर में, तो यहां पे वॉल्यूम को किस में, लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 1.25 दे रखा है, तो ये आ जाएगा अपन का मास ऑफ, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन आपने को निकालना मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वो कैसे निकालोगे, अब देखो मोलर मास ऑफ NaCl होता है 58.5 ग्राम। ठीक है, मतलब 1 मोल में 58.5 ग्राम होता है। ठीक है, तो देखो 3 मोल में कितने होंगे, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो 170.5 ग्राम ये इसके हैं। ठीक है, तो टोटल ये इसमें से 1.75 निकालोगे तो ये बच जाएगा, 3 मोल्स में से ये डिवाइड करोगे तो मोलरिटी निकल जाएगी। समझ में आया दोस्तों?